वेलकम टू कर्मेंको एजुकेशन स्ट्राइव टू एक्सीलेंस। हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया कश्यप। कर्मेंको एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2020 से लिए गए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? ऑप्शन थे रूस, नेपाल, इराक या उज्बेकिस्तान। करेक्ट आंसर था इसका डी, उज्बेकिस्तान। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल से भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की जो है सह अध्यक्षता की, और यह बैठक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से जो है सहमत परियोजनाओं के जो है कार्यान्वयन की जो है निगरानी के लिए आयोजित की गई थी, और सह अध्यक्षों ने विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति पर जो है संतोष जो है व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने से जो है द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को जो है और भी मजबूती मिलेगी। और इसमें जो है द्विपक्षीय निवेश संधि, तरजीही व्यापार समझौते जो रहेंगे, दोनों देशों की कृषि उपज के लिए परस्पर बाजार पहुंच के संबंध में जो वार्ता की स्थिति भी शामिल है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जो है जारी किया है? ऑप्शन है DGNCC ऐप, इंडिया कोड फाइंडर ऐप, बाई हटके ऐप या मैप माय इंडिया ऐप। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, DGNCC ऐप। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए जो है DGNCC ऐप को जो है जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा कि कोरोना वायरस के कारण जो है लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनज़र जो है एनसीसी के जो कैंडिडेट्स के प्रशिक्षण पर जो है प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ा है। और बयान में यह भी कहा गया कि DGNCC नामक मोबाइल ऐप का जो उद्देश्य है एनसीसी के जो कैंडिडेट्स को जो है पाठ्यक्रम प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न सहित सभी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और यह ऐप जो है एनसीसी कैंडिडेट्सों की जो देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में भी सहायता करेगा। और यह डिजिटल लर्निंग में जो है एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए उपयोगी होगा, और कोरोना का जो वायरस है, कोरोना वायरस के कारण जो उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करने में भी मदद करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन थे राहुल सचदेवा, केविन मेयर, बिन्नी बंसल या अभिदली निम चावला। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, केविन मेयर। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स है, भारत में बैन के बाद अमेरिका में भी संकट का सामना कर रहे टिकटॉक के सीईओ ने जो है इस्तीफा दे दिया है। और यह बता दें कि अमेरिका ने टिकटॉक को सुरक्षा के लिए जो खतरा भी बताया है। और डिज्नी के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मेयर मई में जो है टिकटॉक के जो सीईओ बने थे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर जो है प्रतिबंध लगाने का जो आदेश दिया है, जिससे बचने के लिए जो है इसकी मूल कंपनी बाइटडांस को जो है 90 दिन के भीतर जो है अपना अमेरिकी परिचालन किसी भी अमेरिकी कंपनी को बेचना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती जो है प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? ऑप्शन है पटना, रांची, लखनऊ या प्रयागराज। करेक्ट आंसर है इसका डी, प्रयागराज। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स हैं, LAC और LOC पर जारी तनाव के बीच जो है सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से जो है मजबूत करने में लगी हुई है। और सैन्य मामलों के जो विभाग में सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया भी तेज
कर दी है। और इसी के तहत जो है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में जो है भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना भी हो सकती है। और इस एयर डिफेंस कमांड का जो गठन है भारतीय वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना जो है प्रस्तावित है। और इसके तहत जो है आगरा, ग्वालियर और जो बरेली एयरबेस आते हैं। कमांड का जो उद्देश्य है तीन सेवाओं के संसाधनों को एक कमांड के तहत जो है संयोजित करना है और इसे जो है सक्रिय कर देश की जो वायु क्षेत्र को भी सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित COVID-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है चीन, जापान, नेपाल या पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है इसका ए, चीन। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स है, बांग्लादेश ने चीन की एक कंपनी द्वारा जो निर्मित COVID-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर जो है अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में जो है मंजूरी दे दी है। और चीन की सिनोवॉक बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित टीके को देश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली टीकों में से जो है शुमार बताया है। और मंत्री जी ने यह भी कहा कि सरकार ने टीके के अंतिम चरण के परीक्षण को मंजूरी देने का फैसला भी किया है। और इससे पहले संबंधित सरकारी संस्थानों ने टीके के प्रभाव और सुरक्षा समेत उसके जो अनेक जरूरी जो पहलू हैं उनका भी अध्ययन किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के जो है आवंटन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 85, 95, 78 या 65। करेक्ट आंसर है इसका सी, 78। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स हैं, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान के चौथे दौर के तहत जो है 78 नए अतिरिक्त मार्गों को जो है अनुमति दे दी है। और इन मार्गों को जो है अनुमति देकर उत्तर पूर्व पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी फोकस किया है। और उड़ान एक जो है क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकास योजना है और इसका जो मुख्य लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो है दूर दराज के और क्षेत्रीय इलाकों तक जो है संपर्क बेहतर बनाना और हवाई यात्रा पे जो है किफ़ायती बनाना इसका उद्देश्य है। और यह योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है शुरू की गई है। केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति की एक प्रमुख घटक है जिसे कि जून 2016 में लॉन्च किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $200 अरब की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन है जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग या बिन्नी बंसल। करेक्ट आंसर है इसका ए, जेफ बेजोस। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स हैं, जेफ बेजोस जो है $200 अरब की संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति बन गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की जो संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस जो है पहले से अब जो है और भी धनी हो गए हैं। 26 अगस्त 2020 को अमेज़न के संस्थापक और जो CEO हैं जेफ बेजोस की जो संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई है और उनकी यह संपत्ति जो है दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो है बिल गेट्स से जो है पूरी 90 अरब डॉलर जो है अधिक है। और बिल गेट्स की जो वर्तमान की जो संपत्ति है वो 116.1 अरब डॉलर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने SK भगत को हटाकर निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन है तरुण गाबा, राजेंद्र कुमार तिवारी, विजय पिपलानी या मनोज कुमार सिंह। करेक्ट आंसर है इसका ए, तरुण गाबा। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने SK भगत को हटाकर जो है तरुण गाबा को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। और इससे पहले जो है तरुण गाबा IG विजिलेंस थे और उनकी जगह पर जो है अब SK भगत को भेजा गया है। और 2001 बैच के IPS अफसर तरुण गाबा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जो है UP कैडर में वापस आए हैं।
तरुण गाबा जो है सीबीआई में तैनात थे और आईपीएस राकेश अस्थाना के केस पर भी इंचार्ज थे और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद जो है तरुण गाबा को अब आईजी बनाया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन है 10, 7, 4 या 3। करेक्ट आंसर है इसका B, 7। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स हैं, इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण एवं पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसे सुविधाजनक बनाना है। और ये नए सर्कल जो है जबलपुर के मध्य प्रदेश, त्रिची के तमिलनाडु, झांसी या मेरठ जो है उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटका, रायगंज पश्चिम बंगाल और जो वहीं जो है राजकोट जो कि गुजरात में है में बनाए गए हैं। और हम्पी मिनी सर्कल को जो है एक नए सर्कल में जो है अपग्रेड किया गया है और दिल्ली में जो है मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ जो है मिला दिया गया है। कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत की दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, इसीलिए जो है हम्पी उप सर्कल को अब जो है एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? ऑप्शन है मदद, कल्याण, किरण या हम सफर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, किरण। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए जो है किरण हेल्पलाइन नंबर की जो है सेवा शुरू की है। यह एक फ्री हेल्पलाइन नंबर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा जो है तैयार हेल्पलाइन नंबर 1800599019 का जो उद्देश्य है वह है प्राथमिक जाँच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जो है संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और मानसिक स्वास्थ्य पुनः सुधार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही जो है हेल्पलाइन का जो उद्देश्य है वह तनाव, चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एंड डिसऑर्डर और महामारी के चलते पैदा हुए जो भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन सेवाएं जो उपलब्ध कराना इसका उपलब्ध जो है उद्देश्य है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने ड्यूटी पर COVID-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होम गार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपये के बीमा कवर को जो है मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को जो है सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि लिए गए थे 29 अगस्त 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ जो है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी आपको कन्फर्म किया कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। सो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।